सवाल ये है कि जो रिश्ता हम लोगों का पुराना, जैसा कि अभी साधना जी ने भी बताया, उनको तो बाद में मालूम हुआ, हमें बहुत पहले से मालूम है, पर इनको केवल मित्र कहना तो गलत होगा, पूरा नहीं होता है, तो भाई हैं हमारे। और वैसे भाई रिश्ते के काम भी लय और सुर, हम लोगों की जात भी वही, मजहब भी वही, और कला का प्रचार करने का एक ही उद्देश्य है, चाहे वो देश और चाहे विदेश। नई रोशनी पैदा करना, हमारे उस्तादों ने भी हम लोगों को फिर सिखाया कि केवल अपने आप में अगर तुमने बैठ के खाना खा लिया तो स्वार्थी क्यों हो, क्यों नहीं बांटा तुमने दूसरे को। स्वार्थ यहां खत्म होता है जब हम अपनी विद्या उसी मन से नए आने वाली पीढ़ियों को हम देते हैं, वो वहां निस्वार्थ हो जाता है, और तब होता है कि हमारे नए नए चिराग जलते हैं। अमजद भैया तो हमसे छोटे ही हैं, वैसे खूब तबला बजाया मैंने इनके साथ, खूब रियाज हुआ सुबह 4 बजे उठ उठ के। और खा साहब, इनके वालिद साहब रामपुर में हमारे बाबूजी के साथ ही, वहाँ मुश्ताक हुसैन खान साहब, क्या वक्त था, क्या आपस में बैठक, आपस में बैठ के ऐसे ऐसे अच्छी बातें पैदा होती थी रोज। अब तो फुर्सत ही नहीं है किसी को कि बैठे दो बातें अपने लिए करे, समय भागता जा रहा है। मैं खां साहब की तालीम जब इनको होती थी, अमजद भैया को, तो मैं अक्सर सुनता था और इतना मज़ा आता था। वो क्लास में अगर घूम रहे, अगर कोई निखात गलत लग गई तो बड़ी जोर चिल्लाते थे, अब ये क्या कर रहा है, तो मुझे मैं समझ लूँ खां साहब चिल्लाए, कुछ गड़बड़ हो रही, सुर में गड़बड़ हो रही थी कुछ। और मुझे एक बात याद है, वो दोहरा देता हूँ इसलिए कि ऐसे मौके बड़े कम आते हैं कि भाई हम ही लोग आपस में नहीं मिल पाते, आपको बताएं, हम ही लोग आपस में नहीं मिल पाते, कभी ये व्यस्त हैं कभी हम व्यस्त हैं, तो दोनों, हालांकि प्यार में फर्क नहीं पड़ता, प्यार तो अपनी जगह ज्योति जलाए बैठा है, वो तो अपनी जगह ज्योति जलाए, बस वक्त ऐसा है कि जिसमें मुलाकातें नहीं होती, लेकिन प्यार वैसे ही है, जब भी मिलेंगे वैसे ही मिलते हैं। तो एक बार अमेरिका की किस्सा सुना देता हूँ छोटा सा, ये भी बहुत छोटे थे। सवाल उठा कि अब अमजद भाई का सरूद बजेगा तो किधर मुंह करें, भाई नाचने वाले तो हिल डुल लेते हैं। मामला हुआ कि तबला इनके सोलो में मैं ही बजाता था, वैसे मनिका प्रसाद जी नाच के लिए बजाते थे, लेकिन इनके साथ तबला मैं बजाता था। तो हम दोनों ने तय किया, हमने कहा ऐसा करो भाई, सबको तो देखना है, तो आप उधर मुंह कर लो, मैं इधर कर लेता हूं, और आपस में तो मुंह मिलेंगे ही क्योंकि हम यूं बजाएंगे, लिहाजा पूरा प्रोग्राम आधे इधर के लोगों ने इनको देखा, इधर के लोग बात बराबर हो गई, तो प्रोग्राम बहुत तारीफ आई अखबारों में। उस वक्त भारतीय कलाकेंद्र में हम लोग यहीं से गए थे और पूरा ग्रुप गया था, और बहुत अच्छा टूर था, नैना जी वगैरह थे। तो ये इस तरह के बहुत से किस्से हैं, लेकिन अब पूरे किस्से तो नहीं सुना पाऊंगा क्योंकि समय छोटा है, और इनकी बस इनको शुभकामना देने के लिए हमारे पास ये
ये वाले फूल नहीं हैं जो चमन में खिलते हैं, छंदों के फूल हैं, घुंघरों की माला है, वही हमारा फूल है, वही हमारा हमारा प्रस्तुतिकरण है, वही शुभकामना है। वो आवाज भावना की, वो आवाज और घुंघरों की वो माला कूथना, और उनको हम बहुत बहुत शुभकामना के साथ कुछ उठाने शुरू की उनके लिए मैं कर रहा हूँ तीन ताल। और आज मजेदार बात है कि हर स्वर अपनी जगह, भाषा नहीं बोलता लेकिन भावना तो बोलता है, चाहे वो सरोद हो, सितार हो, सारंगी हो, तबला हो, अपनी अपनी बात सब कहता है, सिवाय इसके कि तुम हम कहाँ वो, ये दुनिया वाली भाषा नहीं बोलता है, अपनी भाषा बोलता है जो मालिक ने बनाई है। और ताल एक आंगन है, छंद उसके अंदर, छंदों की फूल की बारिश होती है, लय देवता है उसके, ताल एक आंगन है, चार तीन ताल के चार खंभे हैं, उसके बीच में हम उस आंगन में हम दोनों ही चलेंगे, खेलेंगे, देखेंगे क्या क्या वहाँ है। तीन ताल।